हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राइजोपस के बारे में। नेक्स्ट फंगस राइजोपस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होगी राइजोपस की। ठीक है, राइजोपस जो है ये किंगडम कवक से बिलोंग करता है। किंगडम के बाद नेक्स्ट इसकी डिवीजन होगी, देन इसकी क्लास यानी फाइकोमाइसिटीज या फिर ये जाइगोमाइसिटीज हो सकती है। इसके बाद क्लास के बाद ऑर्डर इसका म्यूकरेल्स हो सकता है। ऑर्डर के बाद फैमिली म्यूकरेसी एंड जीनस इसका राइजोपस हो गया। स्पीसीज जैसे कि स्टोलिनिफर या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन है। यहाँ पे सिस्टमेटिक पोजिशन के बाद नेक्स्ट है इसकी अक्रेंस क्या होगी, क्या इसका प्राप्त। राइजोपस एक सामान्य मृतोपजीवी यानी सैप्रोफिटिक कवक है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर पाई जाती है। तो ये क्या है कि सैप्रोफिटिक कवक है यानी कि मृतोपजीवी कवक है जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे पाई प्रयोगशाला में। ठीक है, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं हम, एक नम रोटी के टुकड़े को बेल जार में रखने से 2-3 रोज में उसके ऊपर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, राइजोपस क्या है, अगर हम एक ब्रेड या फिर रोटी का टुकड़ा लें उसके ऊपर उसको थोड़ा सा जो है मॉइस्चर दें, थोड़ी थोड़ा हाँ नम रखें उसको, तो उसके अंदर 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ पे जो राइजोपस है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। और ये राइजोपस के जो माइसीलियम है या फिर इसके यहाँ पे ये स्पोरेंजियोफोर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका कवक जाल सफेद पतले धागों यानी फाइन कॉटनी थ्रेड्स के रूप में रोटी अचार जूतों सब्जियों एवं अन्य पदार्थों पर पाया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसा ऐसा जो है व्हाइट कलर का ऐसे ऐसे पैचेस आ जाते हैं हमारे कुछ खाने की चीजों के ऊपर, तो किसकी वजह से होते हैं, वो राइजोपस की वजह से होते हैं, इस फंगस की वजह से होते हैं कि फंगस उनके ऊपर उगके उनको खराब। इसका कवक जाल बाद में जीवाणु बनने के कारण काला पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर बीजाणु बन जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर बीजाणु बन जाएंगे, बीजाणु बनने के बाद ये ऐसे काला पड़ जाता है। पहले ये सफेद होता है फिर ये काला पड़ जाता है। इसी कारण इसको कृष्ण उर्णिका यानी कि ब्लैक मोल्ड कहते हैं। राइजोपस को ही ब्लैक मोल्ड कहा जाता है। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि राइजोपस को ब्लैक मोल्ड क्यों कहते हैं या फिर ब्लैक मोल्ड किसे कहते हैं, तो राइजोपस को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पहले तो इसका जो कवक जाल होता है वो सफेद होता है, लेकिन इसमें जो बीजाणु है वो बन जाएंगे, बीजाणु बनने के बाद इसका जो कवक जाल है वो काला पड़ जाएगा और इसलिए इसको ब्लैक मोल्ड कहा जाए। इसके बाद इसकी रचना और स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो राइजोपस जो है इसका पादप का यानी प्लांट बॉडी कवक सूत्र हाइफो का बना हुआ होता है। ठीक है, हाइफे होते हैं इसके अंदर, हाइफो का बना होता है जो किसी भी आधार पर अनियमित सफेद रंग के कवक जाल माइसीलियम के रूप में पाया जाता है। अनियमित सफेद रंग के ऐसे जाल बने होंगे यहाँ पे जिनकी फॉर्म में ये पाया जाएगा। और ये जाल क्या है, एक्चुअल में ये जाल माइसीलियम होते हैं, कवक जाल होते हैं, और ये कवक जाल जो है ये बने होते हैं कवक सूत्रों से यानी कि हाइफे के ये बने हुए होते हैं। इसमें चूसक कवक सूत्र यानी एब्जॉर्बेटिव हाइफे जो कि दूसरों से खाना एब्जॉर्ब करेंगे, रोटी या किसी अन्य आधार का भेद कर भोजन चूसते हैं, जैसे कि रोटी के ऊपर उगे, ब्रेड के ऊपर उगे या सब्जियों अचार के ऊपर उगे, तो ये जो इसके अंदर ये कवक चूसक कवक सूत्र होते हैं वो इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला है ये उसके अंदर चला जाएगा और वहां से जो भी यहाँ पे खाद्य पदार्थ होगा उससे ये क्या करेगा, उससे ये एब्जॉर्प्शन लेगा, उससे ये अपना भोजन जो है वो चूसता रहेगा, और इनको राइजोइड कहते हैं। ठीक है, ये जो ये हाइफे जो पेनिट्रेट करेंगे इनको ही राइजोइड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई ब्रेड या फिर रोटी है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेड है जैसे कि, और इसके ऊपर ये उग रही है, तो ब्रेड से इसको न्यूट्रिशन लेना है, ब्रेड से इसको भोजन लेना है, तो ये ब्रेड के अंदर उगेगा तो ये अपने जो इसके जो चूसक कवक सूत्र है या फिर इसके जो एब्जॉर्बेटिव हाइफे है उनको इसके अंदर इंसर्ट कर देगा और इनकी हेल्प से क्या कर लेगा, भोजन चूसता।
आधार पर फैले हुए कवक सूत्र यानी स्टोलन, जैसे कि ये आगे की तरफ बढ़ गया, इसने और ग्रो कर दिया, ये इधर साइड बढ़ गया, इनको स्टोलन्स कहते हैं, जो कि आधार पर फैले हुए होते हैं, ठीक है, इनको स्टोलन्स कहते हैं। ये भू प्रसार यानी रन के प्रकार के होते हैं तथा ये पर्व संध्या यानी नोड से ही नीचे की ओर मूलांग व ऊपर की ओर बीजाणु धानी यानी कि स्प्रिंजियोफोर। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो ऊपर की ओर उठ रहा है, ये स्प्रिंजियोफोर है, ठीक है, ये स्पोरिंजियोफोर है। फिर इसके ऊपर ये स्पोरिंजियम बनता है, स्पोरिंजियम के अंदर स्प्रिंजियोस्पोर्स होते हैं, जो यहाँ पे बीजाणु होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नीचे की तरफ होंगे जो कि न्यूट्रिशन लेंगे एब्जॉर्बेटिव हाइफे, उनको राइजोइड्स बोला जाता है। जो आधार के ऊपर होते हैं उनको स्टोलन्स बोला जाता है, एंड ये रनर्स के प्रकार के होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो नोड्स होती है, नोड्स से नीचे की ओर तो राइजोइड बनते हैं, एंड ऊपर की ओर क्या बनेंगे यहाँ पे, जैसे कि नीचे की ओर इसी, ये जैसे कि ये एक यहाँ पे नोड है, ठीक है, नेक्स्ट नोड जैसे कि यहाँ पे हो गई, इससे पहले यहाँ पे नोड थी, तो इन नोड से नीचे की ओर तो राइजोइड्स बनेंगे, ऊपर की तरफ स्पोंजियोस्पोर्स बनेंगे, ऊपर की तरफ स्पोंजियोफोर बनेंगे। म्यूकर की पर्व संधि वह मूलांग नहीं होते हैं जो बीजाणु धान पर किसी स्थान पर पैदा हो सकते हैं। अब म्यूकर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, लाइक राइजोपस एंड म्यूकर का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत उसके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो म्यूकर के अंदर जो कि पर्व संधि होते हैं, संधि और पर्व संधि जो होती है वे मूलांग इनके अंदर नहीं होते हैं, तो बीजाणु धानी यानी जो स्पोरिंजियोस्पोर ये उगे हैं, ये किसी भी स्थान पर पैदा हो सकते हैं। ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है म्यूकर एंड राइजोपस के अंदर। प्रत्येक बीजाणु धानी यानी स्पोरिंजियोफोर बनाता है, जो ऊपर की ओर स्ट्रक्चर उठ रहा था ऐसे, वो ऐसे एंड के ऊपर स्पोरिंजियोफोर बना देता है। कवक जाल भयुनास्टिक यानी कि सिनोसिटिक होता है, कि इसके अंदर काफी सारे जो न्यूक्लियस है वो होते हैं, एंड ए सेपरेट होता है। ए सेपरेट जहां पे आ गया वो वहां पे सिनोसिटिक वर्ड आएगा ही आएगा, ए सेपरेट है तो वो सिनोसिटिक हाइफे या फिर माइसीलियम होता है। इसके अलावा ब्रांच्ड भी होता है, ठीक है, सिनोसिटिक ए सेपरेट एंड ब्रांच्ड होता है, और इसमें बहुत से नाभिक यानी न्यूक्लियाई तेल की बूंद की तरह, और नाभिक होते हैं तेल की बूंद यानी ऑयल ड्रॉपलेट्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स यहाँ पे होते हैं, कोशारण, साइटोप्लाज्म एंड वेक्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे इस एक पोर्शन है माइसीलियम ऑफ राइजोपस का, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक वेसिकल, इसके अलावा माइक्रोबॉडी, वेक्यूल, यहाँ पे सेल वॉल हो गई इसकी बाहर की, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अलावा इसके अंदर कुछ यहाँ पे ऑयल ड्रॉप्स पाए जाते हैं, एंड ग्लाइकोजन पाए जाते हैं, जिनकी फॉर्म में इनके अंदर भोजन स्टोर होता है। नेक्स्ट आती है इसकी प्रजनन कैसे होती है, इसके अंदर तीनों ही टाइप की प्रजनन यहाँ पे देखी जाती है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी, एंड सेक्सुअल भी, ठीक है, तीनों टाइप की प्रजनन यहाँ पे देखी जाती है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि वर्धी प्रजनन। यह साधारणतः कवक सूत्रों हाइफे से विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। जो हाइफा था उसके अंदर ये टूट जाएगा, ठीक है, अलग अलग के अंदर ये टूट जाएगा ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, एंड ये छोटे छोटे टुकड़े क्या कर लेंगे, नए हाइफे या फिर नई जो माइसीलियम है वो बना लेंगे। इसके बाद एकलिंगी प्रजनन यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके अंदर राइजोपस में एलिंगी प्रजनन अनुकूल यानी फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, और ये नॉन मोटाइल यानी एचएल बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे उनके थ्रू होगी, ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगी। जो पटहीन यानी ए सेपरेट बीजाणु धानी यानी स्पोरिंजिया में बनते हैं, तथा बीजाणु धानी यानी स्पोरिंजिया वायवीय एरियल बीजाणु धानी स्पोरिंजियोफोर द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें हम, ये स्पोरिंजियोफोर हो गया, और ये वायवीय यानी कि एरियल स्पोरिंजियोफोर होता है, ऊपर की तरफ जो होता है एरियल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आधार होगा, इससे नीचे राइजोपस होगा, इससे ऊपर ये स्पोरिंजियोफोर होगा, तो एरियल होगा ये, एंड इसके टिप के ऊपर स्पोरिंजियम पाया जाता है। स्पोरिंजियम के अंदर ही क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं।
इनके निर्माण के समय कुछ कवक तंतु यानी हाइफे एरियल यानी वायवीय होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ने लगेंगे और इसका अग्र सीरा यानी प्रोटोप्लाज्म एकत्रित होने से फूल जाता है। ये ऊपर वाला सीरा जो है इसका, ये क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्ररस या फिर प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। यह वायवीय कवक सूत्र को बीजाणु धानी घर यानी स्प्रिंजियोफोर था, इसके अग्र सिरे पर फूले हुए भाग को बीजाणु धानी कहते हैं। अब इसका जो आगे वाला भाग है, जैसे ये डेवलपमेंट होगी इसके अंदर होगी, तो इस वाले भाग को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, स्प्रिंजियम बोला जाएगा, नीचे वाले को स्प्रिंजियोफोर बोला जाता है। इस बीजाणुधानी में प्ररस प्रोटोप्लाज्म बाहर की ओर गाढ़ा डेंस होता था, केंद्र की ओर पतला होता जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, बाहर की तरफ तो बहुत गाढ़ा हो गया यहाँ पे, लेकिन केंद्र की तरफ क्या है, केंद्र की तरफ यहाँ पे कम होता है और पतला होता है। दोनों प्रकार के प्ररसों प्रोटोप्लाज्म के मध्य भाग में छोटे छोटे बहुत सी रस धानी यानी वेक्योल उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये वेक्योल्स यहाँ पे उत्पन्न हो गई है। ये रसधानियां आपस में मिल जाती तथा इसमें दोनों प्ररस के बीच एक दरार यानी कि एक सैफ्ट पड़ जाती है, एक क्लेफ्ट पड़ जाएगी तथा केंद्रस्थ प्ररस गुंबद यानी कि डोम के आकार का हो जाता है। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे डोम के आकार का हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार कोलुमेला, इसको कोलुमेला कहा जाएगा। ठीक है, डोम शेप का जो बन गया है इसको कोलुमेला कहा जाता है और यह पूर्ण रूप से बंद यानी स्ट्राइल होता है। इसके अंदर ऐसा कोई स्पोर नहीं होता है जो कि आगे जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट। तो ये कैसा होता है, ये टोटली यहाँ पे स्ट्राइल होता है। तो फर्टाइल कहाँ पे होगा, स्पोर्स इसके स्प्रिंजियम के अंदर होते हैं जो कि इसके ऊपर पाया जाता है। तो ये अगर स्प्रिंजियम की ये वॉल रप्चर हो जाती है तो आसानी से जो स्पोर्स है इसके अंदर, ये जैसे कि ये रप्चर हो गई है, सिर्फ कोलुमेला बच गया है, तो ये स्पोर्स इजिली यहाँ से क्या हो सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं, फ्री हो सकते। बीजाणुधानी स्प्रिंजियम को बाह्य गाढ़े प्ररस वाला भाग ऊवर यानी फर्टाइल होता है। ये जो इसकी बात कर रहे हैं, जो बाह्य भाग है ये अंदर वाला भाग है जिसको कोलुमेला कहते हैं, ये बाह्य भाग है। बाह्य भाग कैसा होता है, बाह्य भाग फर्टाइल होता है और इस भाग का प्ररस धीरे धीरे कई भुजा बहुभुजा पॉलीगोनल क्षेत्रों में विभक्त हो जाता है। ये वाले भाग की बात कर रहे हैं, पॉलीगोनल क्षेत्रों में ये विभक्त हो जाएगा। प्रत्येक भाग में 2 से 10 नाभिक यानी न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, प्रत्येक जो भाग होगा इसका जो विभक्त होगा बहुभुजाकार के अंदर, उसके अंदर 2 से 10 नाभिक पाए जाते हैं। ये बहुभुजाकार पॉलीगोनल क्षेत्र धीरे धीरे गोलाकार होकर अचल बीजाणुओं में यानी नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं और इन बीजाणु यानी स्पोर्ट्स को कभी कभी ई प्लैनोस्पोर्स भी कहा जाता है। अब ये जो यहाँ पे स्पोर्ट्स बन गए हैं गोल गोल से, ठीक है, इन स्पोर्ट्स को ए प्लैनोस्पोर्स भी कभी कभी बोला जाता है और ये कैसे होते हैं कि नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं। बीजाणुधानी का रंग शुरू में हल्का पीला होता है और बाद में इनका रंग काला हो जाता है। पानी के अवशोषण के कारण कोलुमेला फूलने लगता है। अब यहाँ पे पानी का जब अवशोषण होगा तो पानी के अवशोषण की वजह से ये कोलुमेला फूलने लग जाएगा तथा प्ररस कलेद में यानी म्यूसिलेजिनस हो जाता है और दबाव पड़ने के कारण बीजाणुधानी भित्ति यानी ये जो बाहर की तरफ वोल है इसकी स्प्रिंजियम की वोल है वो फट जाती है और इसके फटने की वजह से यहाँ पे जो स्पोर्स है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। जो अचल बीजाणु है नॉन मोटाइल स्पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। ये बीजाणु स्पोर्स उचित आकार मिलने पर अंकुर नाल यानी कि जर्म ट्यूब द्वारा अंकुरित होकर नए कवक जाल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही इनको एक उचित आकार यानी कि सबट्रैक्टम मिलेगा तभी ये क्या हो जाएंगे, ये जर्म ट्यूब निकालेंगे यानी जर्मिनेशन करके नए माइसीलियम में परिवर्तित हो। राइजोपस में कभी कभी अलैंगिक प्रजनन मोटी भित्ति वाले थिक होल्ड अंत्यकोशिकीय है क्लेमेडोस्पोर्स द्वारा भी होता है। ठीक है, कई कई बार क्या होता है, क्लेमेडोस्पोर्स द्वारा भी ये हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो एरियल वाला पोर्शन है उसको स्प्रिंजियोफोर बोलते हैं, इसके टिप के ऊपर जो बनेगा उसको स्प्रिंजियम बोलते हैं। स्प्रिंजियम कैसे बनेगा, जो ये एरियल वाला ब्रांच है वहां पे प्ररस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, टिप के ऊपर प्ररस इकट्ठा होता रहेगा और ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में जो इसका नीचे वाला भाग है एंड ऊपर वाला भाग है,
नीचे वाले भाग में कम प्ररस होगा, ऊपर वाले भाग में ज्यादा प्ररस होगा, ज्यादा डेंस होगा। तो नीचे वाले भाग को कोल्यूमेला बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को स्परिंजियम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कोल्यूमेला स्ट्राइल होता है, स्परिंजियम फर्टाइल होता है। अब स्परिंजियम के अंदर क्या होगा, बहुत सारे पॉलीगोनल यहाँ पे जो है पॉलीगोनल सेल्स की पॉलीगोनल क्षेत्र में बटना स्टार्ट हो जाएगा ये, एंड पॉलीगोनल से ये राउंड स्ट्रक्चर में आ जाएगा, एंड राउंड स्ट्रक्चर्स को स्पोर्स बोला जाता है, कई बार इनको ए प्लैनोस्पोर्स भी बोलते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये कोल्यूमेला पानी को अवशोषित करेगा, पानी को अवशोषित करने की वजह से फूल जाएगा, फूलने की वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और ये वॉल जो है स्परिंजियम की ये फट जाएगी। फटने के कारण ये स्पोर्स जो है ये फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, अचल बीजाणु। एंड इसके बाद ये जो स्पोर्स है ये आधार मिलने के ऊपर, एक उचित आधार मिलने के ऊपर जर्मिनेट करेंगे, जर्म ट्यूब निकालेंगे, एंड फिर ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, जर्मिनेशन हो जाएगी इनकी, एंड ये बना लेंगे यहाँ पे एक नया माइसील। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पे राइजोपस के अंदर, और कभी कभी ये क्लेमेडोस्पोर्स की हेल्प से भी हो जाती है। म्यूकर को पोषक पदार्थों के घोल में रखने पर कवक सूत्रों में अनुप्रस्थ पट्टियां बन जाती तथा कोशाओं की श्रृंखला सी बन जाती। एंड अगर म्यूकर को पोषक पदार्थों के घोल में रखें तो कवक सूत्रों में अनुप्रस्थ पट्टियां बन जाती है तथा कोशाओं की श्रृंखला सी बन जाती। तो वहां पे बहुत सारी ऐसे पट्टी, जैसे कि ये जो है इसका माइसीलियम था, यहाँ पे ऐसे पट्टियां बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये कोशाओं की श्रृंखला बन जाएगी। ये अलग अलग कोशाएं बन जाएंगी, तो ऐसा लगेगा कि कोशाओं की श्रृंखला बन गई। प्रत्येक कोशा संरचना की जो इसके अंदर अंतर वस्तुएं हैं, जो कंटेंट है वो गोल हो जाता है तथा अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेता है, और इन्हें ही क्लेमेडोस्पोर्स बोला जाता है। ये विश्राम अवस्था व्यतीत करने के बाद, यानी कुछ टाइम तक ये रेस्ट में जाएंगे, उसके बाद ये अंकुरित होकर एक नया कवक जाल उत्पन्न करते हैं। तो ये क्लेमेडोस्पोर्स की हेल्प से होता है यहाँ पे। कभी कभी राइजोपस में एलिंगी प्रजनन बीज सूत्र बीज यानी ओडिया की से बनने के कारण भी हो जाता है। इस प्रकार का प्रजनन प्राय खाद्य सामग्री की प्रचुरता वाले घोलों में होता है, यानी कि अगर इनके पास बहुत सारा फूड होता है तो उस टाइम पे ये इस मेथड की हेल्प से भी, सूत्र बीज मेथड की हेल्प से भी क्या कर लेते हैं, यानी ओडिया की हेल्प से भी ये एलिंगी प्रजनन। इस विधि में कवक जाल माइसीलियम पट्ट युक्त यानी सेप्टेट हो जाता है तथा पतली भित्ति वाली कोशाएं बनाता है, जिन्हें सूत्र बीज यानी ओइडिया कहते हैं। ये सूत्र बीज यानी ओइडिया एक दूसरे से अलग हो जाते तथा तथा कुडमन यानी बडिंग विधि द्वारा बढ़ते हैं। ठीक है, ओडिया होंगे, ओडिया क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ये बडिंग के द्वारा फिर बढ़ने लग जाते हैं। शुगर के घोल में इनका किण्वन यानी फर्मेंटेशन होता है तथा अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये क्या बना देंगे, ये अल्कोहल बना देंगे शुगर सॉल्यूशन से। राइजोपस की इस अवस्था को अजाकर अवस्था यानी कि टोरुला कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को टोरुला कंडीशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे होगी, लिंगी प्रजनन राइजोपस के अंदर कैसे होता है। राइजोपस की जातियां प्राय लिंगाश्रय यानी डायोसियस होती है तथा ये भिन्न जालिका यानी हेट्रोथैलिक होती है। इसमें लिंगी प्रजनन में दो बहुनाभिक युग्मक धानी यानी कि मल्टी न्यूक्लियेट गैमेटेंजिया के गलन यानी फ्यूजन द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दो बहुनाभिक युग्मक धानी होती है, उनका फ्यूजन होगा तो उनकी हेल्प से होगा। ये नर्व मादा युग्मक धानी बाह्य रूप से समान होते हैं परंतु फिजियोलॉजिकली भिन्न होते हैं। बाह्य रूप से मॉर्फोलॉजिकली तो ये समान होते हैं, लेकिन अगर इनको फिजियोलॉजिकली देखें तो ये भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए इन्हें प्लस और माइनस अंशु यानी स्ट्रेन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस स्ट्रेन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। राइजोपस में लिंगी प्रजनन ब्लैकस्ट्री द्वारा 1905 में विस्तृत रूप से दिया गया था। उन्होंने बताया कि जब दो कवक सूत्र यानी हाइफे जो क्रमशः प्लस और माइनस स्ट्रेन के होते हैं एक दूसरे के समीप आते था, इन कवक सूत्रों यानी हाइफों में अतिवृद्धियां आउटग्रोथ निकलती है
ठीक है, उसकी हेल्प से होगा, जिन्हें पूर्वज धानी यानी कि फ्लोगमिटेंजियम कहते हैं, और इनके अग्र सिरे फूले हुए पाए जाते हैं, जैसे कि ये अग्र सिरे ऐसे फूले हुए पाए जाएंगे, ठीक है, अग्र सिरे जो है ऐसे फूले हुए पाए जाएंगे, और इनको क्या बोलते हैं, इनको प्रोगमिटेंजियम यानी कि पूर्वज धानी इनको बोला जाता है, इनके अग्र सिरे कैसे होंगे, ये थोड़े से फूले हुए पाए जाएंगे। जब ये दो पूर्व जन्म धानी यानी प्रोगमिटेंजियम वृद्धि करते हैं और एक दूसरे के अग्र सिरे को छूने लगते हैं, देखिए ये जब वृद्धि करेंगे तो ये एक दूसरे के सिरे को छूना, मतलब एक दूसरे के आसपास पास पास आएंगे तो एक दूसरे के सिरों को छूना जो है छूने लगेंगे, और ये दोनों पर्व जन्म धानी जो इनका अग्र भाग है युग्मक धानी का, वो पिछले भाग से नीलम यानी सस्पेंसर बन जाते हैं, आगे वाला भाग है उससे युग्मक धानी बन जाएंगे यानी कि गैमेटेंजियम बन जाएगा, और जो पीछे वाला भाग बच गया है उससे सस्पेंसर यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उससे क्या होगा, सस्पेंसर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे सोमेटिक हाइफे था, ठीक है, लाइक सोमेटिक हाइफे से ये प्रोगेमिटेंजियम बन गया, ठीक है, प्रोगेमिटेंजियम के जो अग्र भाग है वो थोड़े से फूले हुए होते हैं, धीरे धीरे करके पास आएंगे, गैमेटेंजियम इनको हम बोलेंगे या फिर प्रोगेमिटेंजियम बोलेंगे, एंड ये क्या करेंगे, पास आके ये जो है इनका जो आगे वाला भाग है वो गैमेटेंजियम बना लेगा, और जो पीछे वाला भाग है वो क्या बना लेगा, वो बनाना स्टार्ट कर देगा सस्पेंसर। युग्मक धानी गैमेटेंजियम के बहुनाभिकीय जीव धरे मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म को सीनोगैमेट्स कहते हैं। अब जो इनका बहुनाभिक जीव द्रव्य है यानी कि मल्टी न्यूक्लियेट प्रोटोप्लाज्म है, उसको सीनोगैमिट्स यानी कि बहुवर्णिष्ठ जन्म यानी कि सीनोगैमिट्स कहते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनको सीनोगैमिट्स कहना स्टार्ट कर। युग्मक धानियों के परिपक्व होने पर दोनों मध्य की भित्ति घुल जाती है। अब इनकी जो यहाँ पे मध्य की भित्ति थी वो क्या हो जाएगी, जैसे कि घुल गई है, ठीक है, ये जो है घुल जाएगी, तथा संयोजक यानी फ्यूजन की क्रिया होती है जिसमें युग्मक धानी के नाभिकों से मिलकर बहुत से द्विगुणित यानी डिप्लोइड नाभिक बनाती है। इस समय चारों ओर मोटी यानी थिक व कांटेदार स्पाइन भित्ति बन जाती है, ठीक है, चारों ओर मोटी एंड यहाँ पे स्पाइन वाली भित्ति बन जाएगी, और इसे युग्माको यानी जाइगोट या फिर जाइगोस्पोर बोला जाता है, यहाँ पे जो बन जाएगा ये वाला इसको जाइगोस्पोर यहाँ पे बोलते हैं। यह युग्माणु जाइगोट या फिर जाइगोस्पोर कुछ महीने के लिए विश्राम अवस्था में चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड आता है तो कुछ टाइम के लिए रेस्ट को चला जाता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये जो जाइगोट था या फिर युग्माणु था अंकुरित करता है, जर्मिनेशन करता है, तथा इसकी बाह्य भित्ति फटती है, ठीक है, इसकी बाह्य भित्ति फट जाएगी और अंतः भित्ति प्रो माइसीलियम कवक तंतु, ठीक है, प्रो माइसीलियम हाइफे के रूप में बाहर आती है, और इसका अग्र सिरा फूल कर फिर एलिंगी प्रजनन विधि द्वारा बीजाणु धानी वह स्पोर या फिर स्पोर्स बीजाणु बनाता है, और ये बीजाणु प्लस वह दोनों वह माइनस प्लस वह माइनस दोनों के ही प्रकार के होते तथा स्वतंत्र रूप स्वतंत्र होकर नए कवक जालिया में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो है ये जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन से पहले मियोसिस होगी, कैरियोगेमी होगी, यहाँ पे अब इसके अंदर ये जर्म ट्यूब निकलेगी, ये जर्म स्पोरेंजियम बना, और ये जो है ये एक बन गया है स्पोरेंजियम, यहाँ से ये निकल गया है, और निकलने के बाद या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोमाइसीलियम हाइफे निकल गया है, ये प्रोमाइसीलियम हाइफे जो है ये फिर स्पोरेंजियोफोर बनाएगा, स्पोरेंजिया, एंड देन जो है वापिस से वही कंडीशन शो करेगा, एंड ये हो गया जैसे कि ये वापिस से ये जर्मिनेट करके ये हाइफे बना लेगा, और हाइफे से दोबारा से यही जो कंडीशन आ जाएगी, या तो ये राइजोपस बन गया, इससे भी ये डायरेक्ट जैसे एसेक्स रिप्रोडक्शन में हमने देखा था वो कंडीशन आ सकती है, इससे भी सेम यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर बना, जर्मिनेट होके इसने सोमेटिक हाइफे बना दिया, और वापिस से इसके अंदर राइजोइड्स एंड एरियल पोर्शन स्पोरेंजियोफोर बना, देन स्पोरेंजिया, देन स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है ये निकले, तो यही जो है ये चक्कर इनका चलता रहता है, नहीं ये साइकिल इनकी चलती रहेगी।
इसमें यह विभाजन रिडक्शन डिवीजन या तो युग्माणु जायगोट के अंकुरण के समय होता है, फिर बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, ठीक है, लेकिन होता जरूर है। तभी ये हैप्लोइड ये प्लस और माइनस स्ट्रेन की हो जाते हैं, तो इनके अंदर या तो ये जो विभाजन है रिडक्शन डिवीजन है मियोसिस है, या तो ये जायगोट के अंकुरण के समय होती है या तो बीजाणु निर्माण के समय पे होती है, लेकिन होने के बाद ही क्या होगा ये एन कंडीशन में आ जाएंगे। कभी कभी बिना संयोजन यानी फ्यूजन के युग्मक युक्त बीजाणुओं जाइगोस्पोर जैसे जैसे होकर नए कवक जाल बनाते हैं। इन बीजाणुओं को पार्थिनोस्पोर्स यानी ए जाइगोस्पोर्स या फिर पार्थिनोस्पोर्स कहते हैं, और इस क्रिया को अनिश्चित जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। बिना ही फ्यूजन के ये क्या कर लेते हैं, नए जो कवक जाल है वो बना लेते हैं, तो इसको पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। यहाँ तक हमने राइजोपस के बारे में डिस्कस कर लिया है, कैसे उसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।